हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में मैं एक सीएससी से जुड़ी हुई बुरी खबर आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीएससी हर तरह से हाथ पैर मारती है अपना काम बढ़ाने के लिए, लेकिन वीएलई भाइयों की सुविधाएं और उनकी कमाई किस तरह से इससे अफेक्ट होती है उससे सीएससी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अब सीएससी ने एक और ऐसा बहुत बड़ा कदम उठाया है जिससे वीएलई भाइयों की कमाई पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इसकी पूरी जानकारी मैं दूंगी आपको इस वीडियो के अंदर। बने रहिएगा इस वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये जानकारी साझा करने के लिए मैं लेकर आ गई हूँ आपको त्यागी सर के ट्विटर हैंडल पे। और ये दिखाने से पहले जब मैं ट्विटर हैंडल चेक कर रही थी तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई इलेक्शन कैंपेन देख रही हूँ उत्तर प्रदेश का, ना कि त्यागी सर का ट्विटर हैंडल। जहाँ कहीं भी आप देखेंगे यूपी की चर्चा हो रही है, किस तरह से उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, किस तरह से लोगों की सेवाएं की जा रही हैं, किस तरह से जो सरकारी योजनाएं होती हैं उसको गरीबों तक पहुँचाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ यही चर्चा है आज और अभी कुछ दिन और रहने वाला है त्यागी सर के ट्विटर हैंडल पे। ये हालांकि त्यागी सर का पुराना एक आप रवैया कह सकते हैं, जब जहाँ पे भी जिस भी स्टेट में इलेक्शन होने वाला होता है या फिर जब फार्मर्स का मूवमेंट चल रहा था तो उसी चीज़ को हमेशा त्यागी सर टारगेट करते हैं। लेकिन कहने वाले तो ये कहेंगे कि त्यागी सर और बीजेपी के बीच में कोई नाता रिश्ता नहीं है, हालांकि ट्विटर हैंडल उनका सब कुछ बता देता है। यहाँ देखिए किस तरह से बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं योगी आदित्यनाथ जी का, और इसी तरह के काफ़ी सारे पोस्ट आपको पूरे ट्विटर हैंडल पे मिल जाएगा। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि हर इलेक्शन के टाइम पे त्यागी सर इस तरह के पोस्ट करते हैं या नहीं करते हैं? मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश की जो सीएससी है उसकी जानकारी ट्वीट और रीट्वीट की गई है, यहाँ पे भी सेम इसी तरह से बताया जा रहा है कि किस तरह से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया और इसमें किस तरह से सर्टिफिकेट्स वितरण किए गए हैं। हालांकि अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, और वो ये है कि अब रेलवे स्टेशंस पे भी खुद अपना सीएससी सेंटर खोल रहे हैं सीएससी के आला अधिकारी। तो आपको पता होगा कि पहले ही सीएससी ने ये घोषणा कर दी थी कि जो पोस्ट ऑफिसर्स हैं या फिर ग्राम पंचायत की जो ऑफिसर्स हैं इन सब जगहों पे खुलने वाला है सीएससी सेंटर। अब इसके साथ ही साथ रेलवे स्टेशन पे भी सीएससी सेंटर खुलने का काम शुरू हो गया है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, रेलवे स्टेशनों पर सीएससी सेंटर खोलने का काम शुरू। तो आप ये समझिए कि अगर हर जगह सीएससी खुद से ही अपने सेंटर्स खोलने लगेगा, वीएलई भाइयों को ये मौका नहीं मिलेगा। और अगर आप पहले ही इतने ज़्यादा एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर वीएलई बना रहे हैं तो किस तरह से कोई वीएलई सरवाइव करेगा, किस तरह से उनकी कमाई होगी और किस तरह से वो अपने फ्यूचर सिक्योर कर पाएंगे? अगर आप इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बताया जा रहा है कि अभी ये वाराणसी में शुरू हुआ है लेकिन धीरे धीरे दूसरे जगहों पे भी शुरू होगा और हर जगह इसी तरह का एक सेंटर रेलवे स्टेशन के अंदर बनाया जाएगा। तो जब रेलवे स्टेशन के अंदर पोस्ट ऑफिस, ग्राम पंचायत, हर उस तरह की जगह जहां ज़्यादा लोग आते जाते हैं वहां पे अगर सेंटर्स बन जाएंगे तो लोगों को दूसरे सेंटर्स पे जाने की आवश्यकता नहीं होगी और इससे जो है कमाई बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी। दूसरी बात ये है कि जब किसी रेलवे स्टेशन, ग्राम पंचायत या पोस्ट ऑफिस इस तरह की जगहों पर कोई सेंटर होता है तो उस पर नॉर्मली लोगों का भरोसा ज़्यादा होता है, क्योंकि ऐसा मानते हैं सभी कि वहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ चार्जेस नहीं लिया जाएगा या जो भी सर्विसेज हैं वो सही से दी जाएंगी। तो इसीलिए हमेशा इस तरह के जगहों पे जो फ्रीक्वेंसी होती है कस्टमर्स की, फुटफॉल होता है, वो हमेशा ज़्यादा होता है। और अगर हम बात करें कि किस तरह की सेवाएं मिल सकेंगी रेलवे स्टेशन पे खुलने वाले सीएससी सेंटर्स की, तो वो हर सेवा मिल पाएगी जो नॉर्मली दूसरे सेंटर्स पे मिलती है, उसकी पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो आपको ये जानकर के कितना दुख हो रहा है या कितना गलत लग रहा है ये डिसीजन, मुझे ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। मुझे ये डिसीजन काफ़ी गलत लगा,
हालांकि एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट मिला है सीएससी को अभी, जिसकी जानकारी मैं आपको कल के वीडियो में दूंगी। लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा और कितना पार्शियल या नॉन पार्शियल होगा ये अभी बता पाना मुश्किल है, लेकिन प्रोजेक्ट की जानकारी मैं आपको जरूर दूंगी कल के वीडियो में। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।